हेलो दोस्तों, राजीव इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास ये सीलिंग फैन आया हुआ है और डायरेक्ट हम लोग फॉल्ट पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका कॉइल चेक करेंगे और उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो सबसे पहले कॉइल इसको चेक करते हैं। तो मैं कैमरे को सेट कर लेता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो अब इसको चेक करते हैं इसकी कॉइल को कि बढ़िया है कि या ख़राब। तो दोस्तों ये मेरा सीरीज है, सीरीज वाला वायर है। और देखिए मैं इसको टच करता हूँ तो ये सीरीज ग्लो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी सीलिंग फैन आता है तो उसका जो ये ब्लैक और एक ये देखिए ब्लैक, दो ब्लैक कलर का और दो रेड कलर का वायर निकला हुआ रहता है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, जो ब्लैक ब्लैक का कलर का वायर है देखिए। तो ये थोड़ा सा इसमें से गड़गड़ा का आवाज़ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये इसमें। अभी रोटर इसका लगा हुआ है इसीलिए। और इसका मतलब ये जो ब्लैक वाला कॉइल है ये ठीक है। और उसके बाद ये जो रेड है इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों इसमें नहीं बता रहा है कुछ भी, अगर ये बताता तो इसका कॉइल सही रहता है। तो दोस्तों इसका बैरिंग भी ठीक है और कॉइल में यही प्रॉब्लम है। तो ये जो रेड वाला है ये रनिंग वाला, इसमें का फॉल्ट है। ये किनारे वाला जो फॉल्ट है, इसमें दो प्रकार का होता है कि जो ब्लैक कलर का वायर है ये स्टार्टिंग का है और ये जो रेड कलर का है ये रनिंग का है। तो इस रनिंग को चेक करेंगे कॉइल को। अगर आपका सारा ये मतलब ये रेड वाला नहीं बताता है तो ये कॉइल को चेंज नहीं करेंगे, हम इसी को ही रिपेयर करना आप लोग को सिखाएंगे। तो दोस्तों इसको सीरीज को बाहर निकाल लेते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग को चेक करना आप लोग को सिखाते हैं। तो अब इसका बारी है ये वाला कॉइल जांचने का। ये वाला ठीक है और ये जांचेंगे, मतलब इसको देखेंगे कि ये कहाँ ब्रेक हुआ है। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं मतलब ब्रेक हो जाता है वायर कहीं भी। तो सबसे पहले ये देखिए ये सीरीज है और इसको चेक कर लेते हैं। नहीं आ रहा है ये रेड वाला में और ये ब्लैक वाला में आ रहा है, आवाज़ कर रहा है ये। तो अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे इधर ब्लेड की सहायता से, थोड़ा सा इधर स्क्रैच करेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे कि यहाँ तक जो वायर आ रहा है ये वाला कनेक्शन, इसमें ये ठीक है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों सीरीज का बल्ब ग्लो कर रहा है। अच्छा अच्छा खासा देख लीजिए। और थोड़ा सा और आगे स्क्रैच करते हैं इधर स्क्रैच। अब यहाँ से चालू, यहाँ से किए हैं, अब इधर ये स्टेप बाय नहीं करेंगे, अब यहाँ एक डायरेक्ट यहाँ तक आकर इसको स्क्रैच करेंगे। ये कॉपर होता है दोस्तों, तो इसमें स्क्रैच करने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये आ रहा है इसमें, यहाँ तक करंट आ रहा है। और उसके बाद ये वाला भी वायर चेक कर लेंगे। देखिए दोस्तों इसमें नहीं आ रहा है और इसमें आ रहा है। तो ये वाला जो वायर है ये वाला, ये ख़राब हो गया है तो इसको हम बाहर निकालें। और देखिए दोस्तों ये बैरिंग हाथ से ही निकल गया, नहीं तो पुलर से निकालना पड़ता है, इसमें वाशर था दो। अब इसको क्या करेंगे, घीचेंगे बाहर की तरफ, देखते हैं क्या होता है। अब अच्छे से दोस्तों इसको घीचिए, नहीं तो कॉइल का वायर टूट सकता है, फिर से कनेक्शन आप लोग को पूरा बनाना पड़ सकता है, इसलिए अच्छे से इसको बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने इसको बाहर निकाल लिया, तो इसको मैं निकाल लिया हूँ। और उसके बाद ये वाला वायर ख़राब था, तो मैं इसको पता है मुझे कि यही वाला वायर ख़राब था। अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से अपने फैन को चेक कर लीजिए। तो अब इसको मैं क्या कर लूँगा, काट लूँगा इधर से, इसको काट लूँगा। और इसमें
अब बताता हूँ, इसका कनेक्शन तो गायब हो गया, तो क्या कीजिए, यहाँ से इसका कनेक्शन ले लेंगे हम। तो इधर स्क्रैच, ये ब्लेड नोकेली से ब्लेड लेकर और जहाँ से इसका कनेक्शन निकला था वहाँ स्क्रैच कर लेंगे, ज़्यादा थोड़ा सा स्क्रैच कर लेंगे, और इस पर सोल्डरिंग की सहायता से वायर को चिपका लेंगे, इसको तार यहाँ पर सोल्डर कर देंगे और इसका कनेक्शन निकल जाएगा। उससे कोई दिक्कत ना होगा, कोई भी कॉइल पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ ये वाला वायर, जो ये कनेक्शन गया था, और इधर उधर चेक करने में ये भी कनेक्शन टूट गया, तो मैं इसको भी कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इस मतलब यहाँ से चारों वायर को। वायर को बाहर निकाल लिया और देखिए कितने अच्छे से बाहर निकल गया। अब इसका कवर को लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो वाशर निकला था उसको लगा लेंगे, ये वाला वाशर है, दो वाशर निकला था इसमें से, और उसके बाद ये बैरिंग भी है, इसको भी लगा लेते हैं, और उसके बाद इसका कवर लगाते हैं। फाइनली इसका मैं कवर लगा लिया हूँ। अब इसको लास्ट बार चेक करते हैं, आप लोग चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए, ये वाला ब्लैक वायर है और ये दोनों रेड, तो ब्लैक को ब्लैक से देखिए सीरीज ग्लो कर रहा है, ये वाला सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, और बॉडी भी शॉर्ट चेक कर लेते हैं, और रेड को रेड से देखिए दोस्तों, ये भी सीरीज धीमी ग्लो कर रहा है, तो मतलब ये बिल्कुल अच्छा हो गया है। अब आप लोगों को कंडेंसर का कनेक्शन आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं सारा वायर को, और एक रेड और एक ब्लैक ले लेते हैं, इसको कॉमन बना लेते हैं। अब दो बच जाएगा ये वाला, तो ये कंडेंसर इसका है, इसका कनेक्शन बहुत आसान है, और एक इसमें कर लेंगे और इसमें। तो दोस्तों आप लोग का कनेक्शन एक बार और समझा दूँ, ये वाला कॉमन हो जाएगा और इसमें चलाएंगे तो सीधा चलेगा नहीं, उल्टा चलेगा, ब्लैक वाला है और इसमें सीधा चलेगा। अगर जिसमें इसको कॉमन हमेशा के लिए एक बना दे, अब जिसमें भी सीधा चलेगा इसमें या इसमें, तो उस पर ही इसको टेप मार देंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, कैसा लगा? धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।